नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका अपना ज्योति प्रकाश। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना एकदम न भूलें। आप देखेंगे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जब वैकेंसियाँ इत्यादि नहीं देना है तो विभिन्न प्रकार के जो है जुमलेबाजी करने का लगातार प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लोअर पीसीएस की परीक्षा को यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया, तब से एक बार भी लोअर पीसीएस की परीक्षाएं नहीं हुई। वरना जब इसके पहले जो भी कार्यकाल सरकारों की रही है तो लोअर पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हर साल नियमतः कराई जाती थी, उसमें कुछ अच्छे पोस्ट हुआ करते थे जिसकी वजह से बच्चे जो होते बेहतर तरीके से तैयारी करते थे। आप देखेंगे लगातार तीन चार सालों से आर ओ आर ओ की जो परीक्षाएं हैं वो भी निरस्त चल रहा है, उसमें भी किसी भी प्रकार की गति देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज हमने एक पेपर की कटिंग पाया, तो उस पेपर की कटिंग में हमने जो कुछ पाया है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सरकार की मंशा नहीं है कि वो आपको नौकरी दे, लेकिन फिलहाल आपको आत्मसंतुष्टि देने के लिए पेपरों और अखबारों में अध्याचन इस तरीके की निकाल करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि गलती हमारी नहीं है, सब सिस्टम की गलती है, लेकिन आपको ये नहीं बताना चाहता कि सिस्टम किससे चलने वाला है। तो आप देखेंगे लिखा है पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन। मतलब सरकार जो विभाग है, विभागों के द्वारा सरकार को यह अध्याचन दे दिया गया कि इस विभाग में इतने पद खाली हैं, आप जल्द से जल्द रिक्ति का घोषणा कर नया विज्ञापन निकालने का काम करें। और ये मिलने के बावजूद भी सरकार आपको जो है अध्याचन देने पर रोक लगाई है अभी, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसमें जुमलेबाजी चलेगी जमकर। तो आप देखिए कि अब आप सोचिए कि अगर अध्याचन नहीं आएगा तो जो छात्र ओवर एज हो रहा है, क्या उसको सरकार फिर से चांस देगी? क्या उनको ओवर एज को बढ़ाएगा? जिसका ओल्ड एज क्रॉस हो गया है और लगातार 3-4 साल से वैकेंसियाँ आपने नहीं दिया है, क्या उसे मौका देंगे? अगर नहीं देंगे उसके ज़िंदगी तो आप ले लिए, फिर बताइए उसके घर और परिवार कैसे चलेंगे। तो देख दिया है आर ओ ए आर ओ भर्ती के इंतराज में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। दिया है प्रयागराज का न्यूज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के बारे में बात कर रहा है कि अतिरिक्त पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, क्यों? ये हम सवाल सरकार और सरकार के सिस्टम से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? क्या बच्चों को नौकरी देना गुनाह है? क्या बच्चे अपना हक माने गुनाह है? अगर नहीं तो फिर आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? क्यों वैकेंसी आखिर नहीं दे रहे? इससे पूर्व आयोग ने 2021 में आर ओ ए आर ओ भर्ती का परिणाम जारी किया था। 2021 से लेकर के 2023 लगभग 2-3 साल का जो समय है इसमें वैकेंसी नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन? वर्ष 2022 में आर ओ ए आर ओ के पद पर कोई भर्ती नहीं आई। आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में भी आर ओ ए आर ओ को भर्ती को शामिल नहीं किया। मतलब कैलेंडर में ही भर्ती नहीं किया तो कहाँ से परीक्षा होगा? कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी तब आयोग ने माना था कि आर ओ ए आर ओ के रिक्त पदों की अध्याचन मिल चुका है। बताइए, जब छात्र मांग भी रहा है, आरटीआई भी डाला, बावजूद आप कह रहे हैं कि अध्याचन मिल गया, तो फिर विज्ञापन क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? समस्या तो इस बात की है, पेश पे हाँ फंसाएं आप। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में विषमकक्ष आहर्ता का लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार हो रहा है। कब तक इंतजार होगा? 2024 की 2024 के बाद तक का। वही प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। सही बात भाई, जिसका उम्र क्रॉस हो जाएगा तो क्या आप उसे मौका देंगे? 2022 में आ रही की कोई भर्ती नहीं आई भैया, नहीं आई। जो प्रतियोगी परीक्षा के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो गए। और सही बात है, बंद हो गया, अब बेचारा इधर उधर छटपटाएगा, मिलने वाला कुछ हो नहीं है, तो क्या सरकार इस पर क्या करेगी कार्रवाई? मैं भी पूछ रहा हूँ कि सरकार इस पर कौन सी कार्रवाई करने वाली है? जो प्रतियोगी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए उनके लिए रास्ता कोई बंद है? बंद तो हो ही गया। प्रतियोगी
पतियोगों का कहना है कि अगर इस वर्ष भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया तो फिर से कई अभ्यर्थी के लिए भविष्य रास्ते बंद बन जाएंगे। सरकार तो चाह रही कि भैया हम वैकेंसी नहीं देंगे, तुम चलो पकौड़ा तलो, हम तुमको जितने में नौकरियां देंगे उतने में हम जो है प्राइवेट से जाके कितने कंपनी कितने कर्मचारियों को रख लेंगे, चलो तुम पकौड़ा करो, रोजगार करो, एमएसएमई में चलो, हम तुमको ग्रुप बनाओ, सेल्फ सहायता ग्रुप बनाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, अपना काम धाम करो। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि रिक्त पदों का अध्याचन होने के बावजूद भी विज्ञापन जारी न किया जाना। अरे भैया प्रशांत जी, आने वाने वाला नहीं है, आएगा तो फिर 24 वही जब चुनाव आएगा तो फिर आप समझिएगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ तो है ही, बिल्कुल खिलवाड़ है, मैं भी कर रहा हूँ। समिति ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। भैया देखिए, हम कह रहे हैं कि वैकेंसी वैकेंसी आएगी नहीं, आएगी तो 24 के पहले लॉलीपॉप आएगी, इसलिए आप लोग कढ़ाई मढ़ाई उठाइए, चलिए पकौड़ा तलिए। मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलने के लिए, तलिए पकौड़ा, रोजगार तो है ना। क्यों? क्योंकि जानते हैं सिस्टम में बैठा हुआ हर वन व्यक्ति अनपढ़ है, सिस्टम में बैठा हुआ हर वो व्यक्ति वो क्या कहते हैं दुकानदार है, तो जाहिर सी बात है धंधा तो करेगा, और ये धंधा ही हो रहा है हम लोगों के साथ में। क्या इसके पहले देश नहीं चलता था? क्या इसके पहले सरकारें नहीं चलती थी? आज राजकोषीय घाट जो हमारा जो बचत हमारा राजकोषीय कोष है वो लगातार घाटे में चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। कभी तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आप बताइए क्या स्थिति चल रही है हमारे देश में? ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के दो पदों का चयन। अब सोचिए, मतलब इतनी बड़ी आबादी, 125 करोड़, तो बढ़ के हो गए पता नहीं कितने हो गए होंगे भैया। आप सोचिए इतनी बड़ी, मैं माना था 125 करोड़, 125 करोड़ आबादी वाले देश में दो मेडिसिन के पद का चयन हुआ है, दो पद, सोचिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी अन्याय है भारत में, हर उस नागरिक के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आप नहीं समझ रहे हैं और समझेंगे, इसलिए भैया सब लोग समझ जाइए, वरना आने वाला समय क्या होगा, बहुत ही। चार पद थे और दुई पद पे हुआ, और दुई पद क्या हो गया, योग्य नहीं मिले। अरे यार, अपने योग्य कितने हो भाई साहब, कितने पढ़े लिखे, ये भी तो बताओ जनता को, कहाँ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो यार, बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, केडी कैंपस बाय जेपी सर से आप जुड़े रहिए, आपको हम हर न्यूज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो याद रखें वो सभी बच्चे जो आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो क्योंकि अध्याचन मिल चुका है तो एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटीज़ है। वो क्या है पॉसिबिलिटीज़ है, मान के चलो कि अगर 2023 लास्ट लास्ट दिसंबर मान लो, या अगर 2023 नहीं आता है तो अब 2024 तो मान ही लीजिए, जब अध्याचन मिल ही गया है तो पद आएंगे ज़रूर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे परीक्षार्थी विद्यार्थी, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू करिए और एक बेहतर तरीके से अपनी अपनी तैयारी को जोर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना एकदम न भूलें, क्योंकि आपको इसी तरीके की न्यूज़ हम आपको हमेशा देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।